अभी तक आपने जिनको सुना वो सारे एमए जो भी समझ लो आप उनको, अब उन कवियों के फूफा को मैं इनवाइट कर रहा हूँ चार पंक्तियों के साथ, जो कि आप कह सकते हो आज के इस कवि सम्मेलन के उनको डेरा प्रमुख भी समझा जा सकता है। कि समझना, कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। चार पंक्तियां मैं आदरणीय यूसुफ भारद्वाज जी के चरणों में समर्पित करके उनको आपकी घनघोर तालियों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। कि समझना, कि समझना प्रीपेड में नहीं, समझ में आए तो ही बजाना। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है, और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। जोरदार तालियां आदरणीय यूसुफ भारद्वाज। क्या सारे चुप हो बैठे ना, थोड़ा माइक के नजदीक हो ना, मुंह में ले लेंगे। दिखाई अब तक बहुत बढ़िया आपका कार्यक्रम है। हिंदी को नमन करता हूँ, हिंदी के प्रेमियों को नमन करता हूँ, और एक परंपरा अपने देश में चल रही है। मोदी जी ने भी जितने बूढ़े थे सारे फूडे लाइन लगाए, और इनने भी देख लो सारे हम बात में खड़े तो बूढ़े आदमी ने पहले निपटा लेते लेकिन चलो जैसे कह रहे थे ये वास्तविकता है ये, कि हरियाणा का आदमी बुढ़ा होता ही नहीं है। मैं सारे देश में घूमता हूँ और मैंने वहां देखा है दूसरे प्रदेशों में कि वहां का आदमी जो जो बुढ़ा होता है जो जो धार्मिक होता है। हमारा हरियाणा का आदमी जो जो बुढ़ा होगा तो जो रंगीन होता है। क्योंकि हम बुद्धि से नहीं जीते जी, दिल से जीते। और एक और होता तो अपने बुद्धि से दुश्मन बनते हैं और दिल से दोस्त बनते हैं। तो दुश्मन भी बनाते, मस्ती से जीना सीखते हैं। हरियाणा का आदमी जितना मस्त होगा और कोई किसी प्रांत का नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम बुद्धि का कम से कम प्रयोग करते हैं। वास्तविकता है ये। अगर आपने बेचैन रहना है, दुखी रहना है तो बुद्धि का प्रयोग करना। पीछे से हमने कर लिया था एक बार, याद होगा आपको, रोहतक में घेर दिया था सब में, वो बुद्धि का प्रयोग था। रोहतक में लाला जी ने प्लाट ले रखा था, वो उस कांड के बाद देखने गए थे प्लाट, तो देख लूंगा अपना जाके। जब उसने प्लाट देखा, मैं बुद्धि का कमाल बताऊ अपने, वो देखा तो वहां उसके प्लाट पर तो कोठी बनी थी। अरे हरियाणा जाता हूँ मुछाड़ा होगा लग जाती है। लाला जी ने चुपके से पूछा उसने, मेरा भाई मेरा एक प्लाट था और चौधरी जो भोखा भटके फिर जाते उन्हें मिला, भाई लाला जी देख ले कदे तेरा प्लाट इस कोठी के नीचे आ गया हो। ये बुद्धि का कमाल है, कम से कम प्रयोग करो। अच्छा आज में बड़ा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, प्रेशर से डिप्रेशन में आ रहे हैं।
और कारण क्या बड़ा जीव कारण है बोले खुश कैसे रहे बनियो टिंडा समूह बना के बैठे लोग तो खुशी मिलेगी क्या चेहरे तो खिलते खिलका आप खिलखिला रहे अच्छा लग रहा है ऐसा चेहरा तो ठीक होना चाहिए वैसे इस देश में दो चेहरे हैं जी अब एक तो है फेसबुक का चेहरा मेरा जैसा 80 साल का बुढ़ा भी फेसबुक पर 40-45 साल का दिखे और लुगाई का तो 80 साल की का 24-25 साल की दिखे एक ये चेहरा है और एक चेहरा है आधार कार्ड का उसके नीचे लिख लो युवा किरण है किस लाश को पहचानिए आधार कार्ड जैसा मुंह नहीं बना के खिलखिला के रोन जीवन को एंजॉय करो क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में कुछ दर्द तो ठीक हो जाते केवल मुस्कुराने लेकिन सर हमने एंजॉय करना बंद कर दिया हम जीवन को मजा नहीं देते एंजॉय करो तो एंजियोग्राफी नहीं करवानी पड़ेगी नहीं तो शक्तियां करवानी पड़ेगी तो आनंद मौत मस्ती में जीना सीखो और वो तभी जी सकते हो जब आप बुद्धि का कम से कम प्रयोग करो ज्यादा बुद्धि से ज्यादा ज्ञान से मुझे गीता रख लिया वो कर लिया उससे कोई लाभ नहीं जीवन बिल्कुल परेशान रहोगे मैं तो चाहे बात बताऊंगा तुम्हें कि हमारे अनेक आदमी किस तरह से खुश रहते कम से कम ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्यादा ज्ञान से कुछ नहीं होता दो आदमी खड़े थे अपना हरियाणा के एक अंग्रेज आ गया उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछ लिया अब उनको अंग्रेजी आती नहीं तो वो चुपचाप खड़े रहे फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाने फिर उन्होंने जर्मन में पूछा फिर उन्होंने रशियन में पूछा चार भाषाओं में रास्ता पूछा अब उनको एक भी नहीं आती तो चला गया एक बोला दूसरे थे बोले भाई एक बात बताऊं हर आदमी को कोई ना कोई एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए जरूरत पर काम आ जाती है दूसरा बोलिया उस साल ने चार सीख ली आए इतने सारे के कोई सीखा तो ये ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से तो जिंदगी में सुधार नहीं आता कोई जरूरत नहीं है थोड़े से थोड़े ज्ञान में भी काम चला सकते हो वो आगे चला गया अब देखिए दो शब्दों में कैसे उसने उसको रास्ता बताया हरियाणा का आदमी ने थोड़े से ज्ञान में आगे जाके फिर उसने फिर रास्ता पूछ लिया अब उस हरियाणा आदमी को न्यू में नहीं बताया सारा पूछ के रहा है लेकिन उन्हें जवाब दिया न्यू बोला गो स्ट्रेट बनास का गेन यानी खाली दो शब्दों में काम चला गया और ठीक बात बताती जो बतानी तो कोई जरूरत नहीं थी वो एक चला गया था उसका अखबार वो रेलवे स्टेशन में था अपना कहने का उसने अखबार वाले से अखबार मांग दिया लाख अखबार वाले का अखबार दियो अखबार वाले ने पूछ लिया भाई हिंदी का जो अंग्रेजी का नहीं बोला रहा कौन सा दे दे मुझे तो रोटी लपेटनी है यानी हम तो अखबार नहीं पढ़ते उसका भी इस्तेमाल ढंग से करते तो कोई जरूरत नहीं वो बिल गेट्स को एक आदमी की जरूरत थी 1000 आदमी इंटरव्यू देने के लिए चला गया अब वो 1000 आदमी में से एक कैसे सट है तो उसने वो जर्मन से सवाल कर दिया कि जो इंग्लिश फ्रेंच जर्मन रशियन चार भाषाएं जानता है वो खड़ा रह बाकी चले जाए सारे चले गए थे 50 रह गए अब 50 में से भी एक लेना है उसने एक शर्त तोड़ जोड़ दी कि जो इन चार भाषाओं के साथ जैपनी जानता है वो खड़ा रह बाकी चले जाए सारे चले गए थे दो रह गए एक ने दूसरे से पूछा रहे तू कहां का है बोला हरियाणा का तेरे जपनी जाती है
मेरा मन तो वो चार भी नहीं है कि जो साढ़े रुपए ले ज्ञान से भी ज्ञान मान कोई काम नहीं आता, कॉन्फिडेंस जियो। अच्छा वैसे नहीं का हमारा बच्चे बड़े संस्कारी है, कॉन्फिडेंस है सबके अंदर, संस्कारी है। बच्चों ने लड़कियों से निवेदन किया कि बोला कोई भी लड़की ऐसी टी शर्ट न पहने जिसके ऊपर अंग्रेजी में कुछ लिखा हो, क्योंकि बोले अनपढ़ डे में देर लगते हैं लोग गलत समझ लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस है। और एक और मैं बता कर तो मारा गया ना ताली बजा नहीं करते, ताली पीटा कर जब आया ना जब कह रहे थे कई को बताओ आपने तीन चार आदमी घर से मुंडा की बूटा क्यों बुला लिया, ये उपदेश देगा ज्ञान की बात कर रहा काम का बोल रहा। एक बात तो पहले बता तुम्हें एक भी ज्ञान की बात नहीं, केवल आनंद मौज मस्ती। अच्छा ये ईश्वर देता है इसको लेते हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे कहां कौन से, ये वो आनंद मौज मस्ती ईश्वर की देन, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, टेंशन लेने में मेहनत करनी पड़ती। वो ब्रिगेडियर साहब ने अपने जवान को बुला के पूछ लिया, लजवान बताओ लड़की पटाना मजे का काम है या मेहनत का। जवान बोला जी मजे का होगा, ना तुम कैसे कह सकते हो। बोला जी अगर ये मेहनत का काम होता तो ये काम भी आप लोग हमसे ही करवाते। कॉन्फिडेंस जियो, बुद्धि का कम से कम फेरता हो गया भूखा ना हो। इतना समझाने की बात नहीं है, बता देखो कॉन्फिडेंस तो नहीं कर पाता, कितना कॉन्फिडेंस हमारे। वो एक दूसरी स्टेट का अपनी लड़की के सराय कम के लिए आ गए हरियाणा में, उसने देखा लड़का तुतला गया था, तो लड़की वाला बोला जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब हमारे हरियाणा का बाप का कॉन्फिडेंट यूं बोला जी हमेशा भी तुतलाता, बोला और बोला जब बोलता है तभी तुतलाता। कोई काम की दूर नहीं। मैं जींद के पास रहने वाला हूँ, जींद में राजा हुआ करते थे रियासत की, उस टाइम की मैं बात बताऊँ। उस राजा ने अपने जो ज्ञानी थे ना विद्वान लोग शास्त्री जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ रखा था उनको बुलाया, बहुत ज्ञान छोड़े उन्होंने ग्रंथ पढ़ रखे थे, यूँ बोला भविष्यवाणी करो कि मैं पहले मरूंगा या रानी, जो भविष्यवाणी करेगा उसके 10,000 इनाम और भविष्यवाणी गलत हुई तो सजा ही मौत। अब ये बुद्धि जीव डरते बहुत है, सारे डर गए, कोई भविष्यवाणी कर लेकिन क्या नहीं हुआ, एक मराला बहुत है फिर वो निकला जब मैं कर दू कर मिला रानी पहले मरेगी, अब भविष्यवाणी कर दिया बोला 10,000 रुपये लेके चल पड़े। पीछे पीछे वो सारे विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए थे जाके बोले भाई तुमने किस तरह कर दी, उनका कर दी गई या रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्यवाणी सच, अरे राजा पहले मर गया तो यह रांड मेरा बिगाड़ के लिए।
खंबे से चले छोटे छोटे बातों के टेंशन में चले। मैं ये कहता हूँ कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस थाने को ठेके पर पहुंचाओ। जब मैंने ये कहा तो अरोड़ा जी बोले, बोले यूसुफ जी दारू पीने से किसी समस्या का हल हुआ है? मेरे भाई दूध पीने से कौन सी समस्या का हल? क्योंकि मान लो तो मौज है और न समस्या तो रोज है। समस्या तो रोज है, हर घड़ी है आपके चारों तरफ खड़ी, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त ये है कि वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए, क्योंकि समस्याओं को जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं में से हंसकर गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। सीखो तो ठीक है भाई, अंग्रेजी की बात कर रही हो, मैं बता दूंगा हम कितने पढ़ते हैं अंग्रेजी में। 10वीं का सर्टिफिकेट तो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सारा डेट ऑफ बर्थ का काम आता है, उसके अलावा 10वीं के सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं। अच्छा कोई कोई बार भी कर ले, 12वीं करने के बाद बीए करनी इतनी जरूरी है जितनी मरने के बाद 13वीं, क्योंकि दोनों आत्मा की शांति के लिए की जाती है, पढ़ते कुछ नहीं आता। तो हम नहीं ज्यादा पढ़ते थे, वो एक वो पहले ट्रांसलेशन मेथड से अंग्रेजी पढ़ा करते थे। आप लोग सबको पता होगा टेंस पढ़ा करते, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो एकदम वो मास्टर जी ने अंग्रेजी बात बता रही है याद आ गई है, वो मास्टर जी ने पूछ लिया एक आपको भी याद होगा सेंटेंस हुआ करता था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आपने भी शुरू करी होगी इसके मेरा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसकी अंग्रेजी बनाओ छोड़ा जाने का। निमले सर जी जब वो सारा मर चुका था अंग्रेजी बनाते के जिंदा वो गार्ड की हरियाणा का दिन चला गया, वो जो आर डब्ल्यू का प्रेसिडेंट था उसने पूछ लिया मेरा तुम्हें अंग्रेजी आती है? हमारे कॉन्फिडेंस रूप आती की है बोला क्यों तारी गली में मिलेंगे तो चोरी करना होगा। हम लेते नहीं बिना मतलब क्यों काम करें? अच्छा यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हुए बैठे कि नौजवान नहीं नौजवान से मेरा मतलब कुआरम से है कि मैं शायद शुद्ध आदमी नौजवान के जवान के लड़ने लायक नहीं है। मैं उनसे ये कहा करता हूँ निवेदन क्या करता हूँ जो कुछ बदलना है बदल लो, शायद इसी तरह बदलना राजनीति बदलनी है, शिक्षा नीति बदलनी है, क्या जो कुछ बदलना बेटे होगा बदल लो। शादी के बाद टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओ। सवेरे सवेरे एक तो ये बाधा में देख लेंगे वो जरूरता जो है ना कहता जरूरता जरूरता के कह देते हो हाँ हम देखेंगे बाधा में उतरे सुतरे सुतरे बड़े बड़े लम बड़ा वाले टिक्के लगाए बैठे रहेंगे पचवरे सुबह देख लो मेरे घर वाले की। आज मैंने कहा मैं उसको मैं चैनल बदल दे मैंने खबर देखनी है, मैं बोली नहीं बदलूंगी मैं बोले देख लूंगा इतने सुनते से यहाँ कर दी न्यू लिखे देख लेगा मैं यू है चैनल देख लूंगा। इतने मेरा पोता आ गया, पोता समझते हो ग्रैंड सन को कहते हैं।
उठना आगे वो मैच देखना था, मैं तो सारा कर बता था रिमोट, मैंने उसी दादी तरफ सारा कर दिया, मैंने दादा मैं टीवी का पूछू तेरा नहीं। क्योंकि पत्नी जो है ना जी वो पेपर वेट जैसी होती है, पेपर वेट समझते हो, देखिए वो कागज में फड़फड़ान तो देगा उड़न नहीं। उसके बाद फिर उड़नी फड़फड़ाते रहे बात चुपता जी। वो एक ने मेरे से पूछ लिया 14 फरवरी को एक त्योहार होता है, उनका यूसुफ बोला था यूसुफ जी ये 14 फरवरी को कौन सा त्योहार होता है, वहां बेटा तो शादी शुदा है कुआरा है, मैं शादी शुदा हूँ, वहां बेटा तेरे लिए दुर्गा पूजा का त्योहार। नहीं आप लोग बता जो सब सबके बोला होती है, वो आप तो सारे वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक जो है ना बड़ी खोज करते बुद्धिजीवी होते हैं, खोज गहराई में जाएंगे। एक वैज्ञानिक लोग गहराई में जाने के लिए ये देखने के लिए कि शादी क्या होती है, शादी कर दी उसके सारी न्यूज समझ में नहीं आ रही कि ये विज्ञान क्या होता है। तो आनंद से लो, कितना आनंद हो, कितना प्यार करते हैं हम, शुरू से लेकर आकर त्रिलोकतमा जीवन में जब पैदा होते हैं, मैं ये क्या करता हूँ कि जो ये तो पल मिला हुआ ना आज, कि कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, अरे जिन गरियों में हंसते उन गरियों में रोए क्यों। महंगाई में रोलो, पेट्रोल में रोलो, उसमें रोलो, इसमें रोलो, रोलो हंसना काम ही है। आपने देखा हो जब बच्चा पैदा और वो रो नहीं उसका थप्पड़ मार कर रो, ये सारे दुनिया में आगे रो नहीं रहा, जैसे यहाँ का रोना और कोई काम नहीं करना। बताया तो उन्होंने कहा बता रहा था, हमने देखा बुढ़िया बैठी रोती, उन्होंने बुढ़िया से पूछ लिया बुढ़िया क्यों रो रही है, मैं बोलू भाई खाली बैठी थी सोचा थोड़ा रो ले लू, यानी खाली समय में भी रोने के सोचते ही है, हंसने के सोचते हैं, छोटी छोटी टेंशन बिना मतलब टेंशन वाले दूसरे तो इससे बच सकते हो। देखो एक ऐसी टेंशन बता दूंगा जिसका क्या प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप बाजार में जा रहे हो बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगला टेंशन वो सारा था नमस्ते से भी टेंशन। एक दिन तो पति पत्नी जा रहे थे, एक लड़की उस पति से नमस्ते करके चली गई, ये घरवाले की टेंशन हुआ, बतावा कौन थी हस्बैंड उसे भी ज्यादा टेंशन मारे, थोड़ी देर में उठे तो चुप हो गया, मैंने उसको बताना पड़ेगा तू कौन थी। तो ये टेंशन है छोटी छोटी बातों में, यूं काम का अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बुद्धि का काम से कम प्रयोग करो, कोई जरूरत नहीं छोटी मोटी बातों की चलती रहती जीवन के अंदर, तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक बच्चों को कितना पढ़ाएगा जोर दे रखे, पांचवी छठी के बच्चे भी सुसाइड करने लगे, क्यों क्यों बच्चा अपने बच्चों ने खराब कर दिया, मारा रहने का नहीं रहता जी, वो पहले दिन स्कूल में गया था बच्चा, पहले दिन ही माँ तैयार बच्ची पाओगी जरूर आते हुए में एक डिग्री लेके आओ। जैसे बच्चा आया जून में जुलाई में स्कूल खुले गर्मी में उसका पसीने आ रहे 20 किलो वजन लाद रखा, आते उन्होंने पत्थर फेंक के मारे और माँ ने पूछ लिया बेटा स्कूल में क्या हुआ, बच्चों ने पत्थर फेंक के नहीं मिला, आज कुछ नहीं होया कल फिर जाना पड़ेगा। बिना मतलब
बच्चा कल्पना भी सीख रहा हूँ मुझे गुरु जी, वो गुरु जी ना ध्यान को बच्चे कल्पना तो आई। बोले बेटा कल्पना करो कि तुम एक बंद कमरे में बैठे हो और उस कमरे में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। पहले तो अगला कल्पना कर तू नट गया, मैं क्यों करूंगा तुम्हें दान मत गया। नहीं कल्पना करो कि तुम एक बंद कमरे में बैठे उसमें आग लग जाए तुम क्या करोगे। यूं बोला जी मैं कल्पना करनी बंद कर दूंगा, मैडम नाराज हुई, टेंशन हो गई उसे। बोले मैंने क्या लिखा था, इसको 20 बार लिख के लाओ। बोले मैडम क्यों टेंशन मारी, तू इसे लाइन में 20 बार पढ़ ले। हम तो बड़ा जोर देने जाने के आते, वो एक दादी का जन्मदिन था, बच्चे बाप ने पूछ लिया बेटे से, मेरे बेटे दादी का जन्म के लिए क्या दोगे। बोला फुटबॉल दूंगा। वो बोले बेटा दादी को फुटबॉल खेलने की उम्र है। बोला उसने भी तो मेरे जन्मदिन पे गीता दी थी। तो हम तो टेंशन फ्री रहते। अच्छा इधर बचपन में हम लोग देर से टेंशन, जवानी में एक नई टेंशन होती है, वो है प्यार की टेंशन। मैं शर्त लगाता हूँ साहब, दुनिया में कहीं प्यार नहीं है। झूठ बोलते जो कहते हैं पति पत्नी भी कि हम प्यार करते हैं, न प्रेमी प्रेमिका में प्यार होता है, सिर्फ हवस है और कुछ नहीं। वो मैं दिल्ली मिला तो मत गुंचाऊ के पास, वहां एक बात बात किसी करेंगे। आपने देखा वो गीत सुनो में आपने जुदाई विदाई रोते रहे कि मेरा प्यार कर लो ढंगे कर लो, ये मजे लेने के लिए रोने के लिए। मैं छोड़ा कह रहा उसने अपने प्रेम का नाम, मतलब तेरी आंखों में मैंने सारा शहर दिखाई दे, इसी की बात करेंगे। अगले चौक पे हेलमेट चेकिंग वाले तो नहीं थे, बात भी किसी तरह की। छोरी हरियाणा की थी, थोड़ा दूसरी स्टेज का था, बट लत्री यादों के पत्थर मेरे दिल को पड़े। सुनोगे हमने इसी बात कर रहे हैं, लत्री यादों की तेरी यादों के पत्थर मेरे दिल को पड़े हैं। छोरी हरियाणा की थी, मुझे कान के बाहर फेंक दी नहीं, सड़क सड़क के तेरी किडनी में चले जाओ। अपनी गली में सेटिंग कर ली है। एक ने तो जी चाकू ले गया अपनी प्रेमिका का नाम बात कर नीचे से कांड करेगी, हाथ को खोद के चाकू से रोल लग गया। अब देखिए टेंशन, उसका साथी ने बोले क्या बात है यार दर्द हो रहा है। बोले यार दर्द की बात नहीं, मिला और मिला स्पेलिंग दर्द हो गई। नहीं ये काम करो तो स्पेलिंग गलत हो गया, तो ये टेंशन है दिन का। अच्छा ये मैं समझो पति पत्नी प्यार करते हैं, पत्नी पत्नी बताऊंगा एक दो बात में।
अपना रहने में लड़ाई होगी पति पत्नी की, कह रही बुझाते इस घर में तू रह गया मैं रहूंगी, यहां तक बात आ गई, इस घर में तो तू रह गया मैं रहूंगी, वो बोले इस घर में तो मैं रहूंगा, बोले क्यों, बोले तुमने तो कोई भी राख लेगा। ये प्यार है जी, एक और उदाहरण देता हूं आपको प्यार का। एक पत्नी ने शाम को 4 बजे से अपने घर वाले से कहा कि पार्क में भगवत कथा हो रही है और मैं 2-3 घंटे के लिए वहां जाऊंगी, तेने कुछ चाहिए क्या? नहीं मैं बस इतना ही बहुत है। 3 घंटे चली जाना। ये लगा करते हैं कोई कारोबार नहीं जी, तो मोदी जी ने वो उसमें योगी जी ने वो स्क्वायर चला था ना, प्रेमी प्रेम का ने पकड़ रहे थे यूपी में, हाँ योगी जी ने, वो योगी जी ने, हाँ तो वो उसमें वो एक पुलिस वाले बोले वो सब वो पकड़ ले जान आदमी और औरत देखी वो पकड़ लिए, वो पकड़ लिए एक में बैठे थे, वो पुलिस आ गई पकड़ लिया, प्यार बता रहा हूँ मुझको मैं तो उन्होंने बता दिया हम तो पति पत्नी हैं, ये मेरी पत्नी है, और सिपाही ने मिला मिला सिद्ध करके दिखाई तेरी पत्नी पता सिद्ध कर इसको, उसने हाथ पकड़ के दूर से लिया, बोला ये ले 5,000 रुपये तुम यू सिद्ध कर दे या मेरी पत्नी नहीं है। जवानी सारे इस प्यार में खत्म हो गई, टेंशन है आदमी मरता भी टेंशन में आराम से मर ले, इन्हें देखा वो तो बुढ़ा मरता है, वो अपने सारे घर वालों को हाजिरी ले जब उसके ऊपर जाके नाम लिखवा लिया, पूछा मेरा बड़ा बेटा कहा है, अंग्रेज नहीं है, बहू कहा नहीं है, जब सारे घर के हाजिरी ले दी तो उसके घरवाले को भी सारा परिवार तेरे कमरे में बैठा है तो अपने आराम से प्राण त्याग दे, ये बुढ़े की टेंशन देखो साहब, बोला जब सारा परिवार मेरे कमरे में बैठा है तो ये सामने वाले कमरे के लाइटर पंखे क्यों चला रहे? अरे तू तो जाइए बचपन से लेके जवानी तक सारी उम्र हम टेंशन में रहते हैं, आनंद मौज मस्ती में, आनंद मौज मस्ती के लिए 2000 बार बताऊंगा तेरे कविता नाम दे, आनंद मौज मस्ती क्या है? हरियाणा का आदमी करता है, मैंने एक दिन एक आदमी से पूछ लिया, मैं कोई तेरे को गर्म नहीं लगता तो क्यों कर रहा है आनंद देखो कैसे लेते हो, बोला जी मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ, मैं फिर भी गर्म नहीं लगा तो फिर क्यों कर रहा है, बोला जी फिर मैं एसी ऑन कर लेता हूँ, यानी अगला बंद है एसी का कहते मजे के हमारे तो बच्चे पैदा हुए बड़े आदमी तो तुम्हारी स्टेट में पैदा हुए, ये हमारा आनंद है। एक रिक्शा वाले से पूछ लिया रिक्शा वाले खाली है के, और रिक्शा वाला हाजी खाली हूं क्या, आ जा फिर ताश खेलना। ये आनंद, कल मैं बैंक में चला गया था हरियाणा, थोड़ा बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आ रहा था, कैसे ने उसके 2 500-500 नोट निकाल दिए, बोला भाई ये जमा नहीं होंगे, हरियाणा में थोड़ा बोला क्यों नहीं होंगे, बोला ये नकली है, बोला साले नकली है तो तेरे को की टेंशन है, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूं, किसी ने बताया भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है, अब आनंद देखिए, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है, निबला पड़ी रे दे,
साड़ी कितना पी लेगी। आनंद इस आनंद के लिए बहुत जोर करता हूं। दारू ज्यादा पी लेते ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं। एक हमारे गांव में बहुत दम बात है, एक दिन मेरे पास आने बोले यूसुफ जी 50 रुपए दिए, मेरे 50 का क्या करें, बोला पौवा लाऊंगा। मैं पौवा मित्र के बनेगा, मैं बोला पौवा पी के मित्र कमीन हो जाऊंगा, फिर तेरे बबोतल के पीछे भागूंगा। अच्छा जी, वो ज्यादा पीता उसकी लीवर खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया, पॉजिटिव थिंकिंग था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा दारू अच्छी नहीं होती, तेरा लीवर खराब हो गया। नहीं बोला डॉक्टर साहब दारू तो अच्छी होती है, यू सारा लीवर कमजोर लग गया। अगला जन्म आग तो एक दे दिए, लीवर 4 लगा दिए। अच्छा जी, वो ऐसा है उसकी आग पर पट्टी बांध दो, कोई भी ब्रांड दारू दे दो, एक घूंट में ब्रांड बता दे। एक दिन टेस्ट दिया, आग पर पट्टी बांध दी, 6 ब्रांड के दारू ले, एक घूंट दी सही, 6 के 6 सही बताए, 7वीं पानी की घूंट दी, पानी की घूंट लेते नहीं, बोला बा ब्रांड का नहीं पता तेरा कौन सा। लेकिन एक बात बता दूं, यार कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। गूगल बताता है ना रास्ता, रास्ता बताता है गूगल, उसमें वो होता है कि आदमी पैदल जाएगा या कार से जा रहा है, वो वही रास्ता बताता है। हमें वो अरोड़ा जी ने जो भेजा वो रास्ता बता, जिस रास्ते से घोड़े आते हैं अपना चौक पे जाके फिर। तो ये भी अच्छी बात है। तो मैं अंत में एक छोटी सी कविता जी, मेरा नाम है यूसुफ भारद्वाज, नाम जाता हूँ लोग पूछते हैं कि यूसुफ भारद्वाज जी के नाम है, मगर नाम मेरा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन लोग टेंशन में रहते हैं। एक नाम याद है मेरा, राम सिंह नाम का आदमी इंग्लैंड से लगे अपना रहने। अच्छा जी, वो संडे को बाद दुख में लेट जाते हैं, महाराम सिंह लेट गया, छोटी बुद्धि इंग्लिश भी सीख ली थी, तो एक अंग्रेज जाओ बड़े सुसर होते हैं, अंग्रेज ने स्माइल क्लास की और पूछा उससे एक बार आ गई रिलैक्सिंग, और राम सिंह बोला नो नो आई एम राम सिंह। अंग्रेज निकल गया, एक और आया उसने वही सवाल पूछा, राम सिंह ने वही जवाब दिया, एक लेट गया बड़ी सुंदर सी स्माइल पास किया, अब जब आ रही रिलैक्सिंग, राम सिंह ने सोचा ये सारे यहाँ टिकट नहीं दे, एकांत में चल, वो एकांत में गया तो वहाँ एक अंग्रेज लेते हुआ था, एक राम सिंह ने उससे पूछ लिया कि वेल आर यू रिलैक्सिंग, बोले यस यस आई एम रिलैक्सिंग, बोले सारे तू यहाँ पड़े है दो करने वाली। मैं छोटी सी कविता थी नाम की, वो ये सब आते हैं नाम इसलिए कह रहा हूँ आपको कि धर्म सब एक जैसे, धर्म की भी टेंशन ले रखी है, किसी धर्म में फिर वो नहीं है। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि ज्यादा धार्मिक की मत बनो, धर्म से भी दूर रहो। मारा तो एक बुढ़े ने व्रत कर दिया था, जबरदस्ती बैठा दिया कि व्रत कर ले, और जब ले तो सूरज नहीं डूबे इतने कर ले, वो तो दो दिन से लागे पूछा, बोले बेटा देखिए सूरज डूब गया, पोता बोले ना दादा नहीं डूब गया है, फिर थोड़ी देर में देखिए बेटा सूरज डूब गया, बोले दादा नहीं डूब गया है, 4 बार पूछ रहे डूब गया, ससुराल सूरज भी मन में डबो के लिए टेंशन कि हमारे गांव में एक आदमी रहता था छेद दीला, नाम में था छेद, इस बात का था उसको बड़ा मलाल,
इसलिए वो बदलवाना चाहता था अपना नाम हिंदू धर्म से स्वीकार कर दिया धर्म इस्लाम, और मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली छेतीलाल के छेती को जो भी करी। अब छेतीलाल को नया नाम नहीं आया पसंद, गुरुद्वारे में पहुंच गया त्राण सुराग में बन। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। अब छेत सुराग हर सुराग तो हो गया मोरी। छेतीलाल बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी, मोरी सिंह बन के छेत लटक गया अधर्म में। फिर नया नाम रखवान चला गया गिरजा घर में। अब पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल होल। छेतीलाल का छेद और भी दिया खोल। सभी धर्मों में घूम के छेती बढ़ावा उदास। अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले छेती तेरे सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? सारे धर्मों के छेद करवा के तेना अपना नाम कर लिया बर्बाद। अभी हिंदू होना चाहता है तो तेरा नाम होगा छन्नी प्रसाद। इस प्रक्रिया में छेद जी को प्राप्त हुआ है ज्ञान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं समान।